said, I would like to Dr. Mahendra Desai. From Smile in India, Dr. Leela Imar and Anjali Khatoz. All media, my beloved patient. I'm glad that I've been associated with the Smile in for last 18 years and performed almost 3,000 procedures in the last 18 years. I invite और डॉक्टर भाई करवा दूसरे मत आई मत पीछे ठीक है सर उधर और वो साइड से सर Now let me talk a bit about the Smile Train. Smile Train is a... And as we speak, every 5 minutes a child is born with a cleft lip and palate. And in India itself, more than 35,000 of children are born with cleft lip and palate. So today we are here to announce that Ali Fazal would be our... Ali Fazal is our supporter and to ensure that every child who's born with a cleft lip and palate in any part of the world lives a healthy and proud. So today we are very happy to announce that Ali Fazal would be our brand ambassador and he will be supporting our program and going forward. We're very happy that we have a good look. Hi, kaise aap? Thank you so much for this wonderful opportunity. Aur jaisa aapne abhi kaha, main usse thoda aur bolna chahunga. तीन नंबर्स मुझे अभी तक याद हैं जब मैंने पहली दफ़ा स्माइल ट्रेन के बारे में सुना था वो था 35, 19 और 45 35,000 बच्चों को ये होता है एनुअली इंडिया में
19,000 रुपये सिर्फ उसकी सर्जरी है और 45 मिनट की सर्जरी है उसका ड्यूरेशन। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट स्माइल ट्रेन इज कि ये पैसे हम बच्चों से नहीं मांग रहे हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। लेकिन ये है कि एक आई थिंक सारी जनता से एक दरख्वास्त है कि यू नो दे कम फॉरवर्ड और हमें सपोर्ट करें इस पर। मैं अपने दायरे में जो कुछ कर सकता हूँ करूँगा। मैं एक एक्टर हूँ, एक थोड़ा बहुत जाना माना हूँ, तो आई कैन डू अ लिटिल बिट फ्रॉम माई एंड। लेकिन क्या है ना कि एक देश का जो भविष्य है ना वो बच्चों से बनता है। अगर बच्चों की पढ़ाई नहीं होगी, बच्चों की देखभाल नहीं होगी, तो हम चाहे जो कर लें कुछ नहीं होगा। और हमारे देश में आजकल उतना अच्छा नहीं चीज़ें हो रही हैं, फोकस जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं है। तो ये एक स्मॉल स्टेप है, मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा स्टेप है, बट वी हैव लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। लेकिन आप एक एक प्रॉब्लम को एक टाइम पे ही एड्रेस कर सकते हैं, और इस प्रॉब्लम को हम प्रॉब्लम नहीं कहना चाहते। ये एक बेसिक नेचुरल राइट है हम सबका टू स्माइल, और ये सबको हक है। तो आई एम जस्ट रियली हैप्पी कि आपने मुझे चुना, एंड विद सच वंडरफुल डॉक्टर्स एंड सर्जन्स एंड पीपल कमिंग ऑन बोर्ड। एंड ये हॉस्पिटल जो एक चिल्ड्रंस हॉस्पिटल है जो इतना वेलकमिंग है, मुझे पहले पता ही नहीं लगा कि मतलब हॉस्पिटल है। सिर्फ नाम से हॉस्पिटल मुझे समझ में आया कि एड्रेस जब मैं ढूंढ रहा था, बल्कि मुझे तो लगता है हॉस्पिटल नाम ही चेंज कर देना चाहिए। यू नो इट शुड बी अ होम और समथिंग दैट्स मोर इनवाइटिंग। हॉस्पिटल नाम सुन के लोग डर जाते हैं। बट आई होप कि ये अवेयरनेस जो है हम लोग फैला सकें। विलेजेस में जा के लोगों को ये एजुकेट करना पड़ेगा कि ये पॉसिबल है, लोगों को पता नहीं है, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, नॉट जस्ट अबाउट क्लेफ्ट, अबाउट मेनी अदर प्रॉब्लम्स। एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट स्माइल ट्रेन इज टेकिंग फॉरवर्ड। ये दुनिया की आई एम श्योर सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है इस यस यस क्लैप सो स्वीट, फोटो भी बहुत अच्छी लगती हो। थैंक यू सो मच। I would just like to add that the cleft is, I don't know whether you know about it, cleft is one of the most commonest medical condition that children are born with. So, जो आपके बच्चों को जो हुआ है, आप ये कोसिए मत नहीं कि हुआ है, ये बहुत ही common चीज़ है जो एक surgery से ठीक हो सकती है। तो मैं इतना add करना कि ये surgery से तो ठीक हो सकती है, लेकिन इसके आगे भी कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ measurements होते हैं जो आपको लेने पड़ते हैं, बहुत ज़रूरी है कि लोग इस बारे में जानें। Please correct me if I'm wrong. You know there are speech therapies, I think one of them. And sometimes एक surgery से ही काम नहीं होता है, post surgery भी थोड़े बहुत procedures लग जाते हैं कुछ cases में शायद नहीं होता है, depending on different cases. But I think जो supporting family है उसको बहुत you have to be supportive. You have to, वो आप सब के लिए एक education है, सिर्फ एक बच्चे के लिए नहीं। That's all I wanted to add. Dr. Snigdha Ali is the anesthesia team. That's Dr. Priti, Dr. Harshada, and Dr. Lopa. In fact, you know. Give me some kids. Can we have some kids in the picture? Yeah. Yes, sir. Yeah. Thank you.
ठीक है ये टाइम बहुत टाइम से पेंडिंग था. मैं ऐसा कुछ बिजी शेड्यूल नहीं था. ये हमने काफ़ी टाइम पहले बात की थी एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी. आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस मोमेंट एंड आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है. नॉट जस्ट बिकॉज कि मैं कोई एक्टर हूँ या सेलिब्रिटी हूँ. आई थिंक बिकॉज हम लोग विजुअल प्लेटफॉर्म पर हैं इसलिए हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड आई थिंक आई कैन मेक अ डिफरेंस एंड आई एम वेरी हैप्पी कि दे चोज मी टू बी एबल टू मेक दैट डिफरेंस इन सम वे ऑर द अदर. But I really want people to know about what Smile Train is and what it stands for. And I think the best people are here with me. But please give us something. Tell the audience something about what, because it should come from the horse's mouth. मैं जानता हूँ. In fact, we are very dependent on you. You know, through Ali and through you, we would want to spread the awareness about the cleft and the treatment which we give. So we basically empower our doctors and the hospitals, and they provide the surgeries. So abhi bhi hum, we've been doing this for 18 years, and we still feel there are a lot of children who need our help, and there are a lot of children in the rural areas who don't even know ki ek surgery available hai aur ek surgery se ye theek ho sakta hai. To aapke madhyam se hum log chahenge ki unko ye information jaye aur wo hamare hospitals mein aaye aur apna treatment karaye. India mein hamare 160 hospital hain. एंड हम चाहते हैं कि आप हमारे हॉस्पिटल पूरी दुनिया पूरी इंडिया में फैले हुए हैं. तो आप कहीं भी जाइए, आप स्माइल ट्रेन बोलिए, आपको क्लेफ्ट सर्जरी करानी है, आपकी सर्जरी बिल्कुल मुफ्त होगी. आपका आना जाना खाना रहना सब कुछ बिल्कुल मुफ्त होगा. तो हम आपके माध्यम से ये पेशेंट को बोलना चाहेंगे कि आप आगे आइए और हम आपकी सर्जरी करेंगे. आप आगे आइए. ओके अली साहब, आपने देखा कि जब भी कोई सेलिब्रिटी, कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी ऐसा नोबल कॉज से जुड़ता है, पर्सनल लेवल पे भी बहुत वो प्रमोट करता है, ऐसा सोशल मीडिया हो गया जी. तो आप कैसे प्रमोट करते हैं? वी हैव टू मेक अ प्लान एज टू हाउ वी आर गोइंग टू प्रमोट इट, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है. ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर रहे थे, एक सॉल्वेबल चीज़ है. ये वो अंत नहीं है या कोई ऐसी डिजीज़ नहीं है जो नहीं सही हो सकती है. तो इसलिए थोड़ा दुख होता है कि लोगों को नहीं पता है. जैसे आपने अभी पहले भी कहा था कि आई थिंक वन ऑफ द मैक्सिमम किड्स आर बॉर्न विद अ क्लेफ्ट, और मैंने पहले भी ये नंबर्स कहे थे, 35,000 के करीब हर साल इंडिया में ऐसे किड्स पैदा होते हैं. 19,000 की सिर्फ सर्जरी है. जो हम लोग, जो काफ़ी लोग अगर इधर देख रहे हैं, उन लोगों को पता है कि दे कैन अफोर्ड इट. मैं जानता हूँ, मेरे दोस्त जानते हैं. आई एम गोइंग टू डू इट माई सेल्फ एंड इट्स नॉट अ वेरी लॉन्ग सर्जरी. तो बस मेरी ये आशा है कि लोग जहाँ जितना हम लोग पहुँचा सकें, ऑफकोर्स उसकी एक बाकायदा हम लोग कैंपेन करेंगे जिसकी प्लानिंग अभी हमें करनी है बैठ के करनी है अच्छे से. बट दैट्स ऑल. ओके, एज अ एक्टर आपको तो बहुत प्यार मिला होगा, बट आप सून बहुत ही जल्द डायरेक्टिंग भी घुस रहे हैं, इंस्पायर्ड बाय गुरुदत्त फिल्म, उसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ बता सके? यार मैं उसके बारे में बहुत आराम से बताऊंगा बैठ के. वो जगह थोड़ी गलत है, आज ना बच्चों के नाम है पूरा. बच्चों के नाम है. प्रस्थानम की कैसी चल रही है आपकी शूटिंग से भी कराना? जी मैं वहीं से आ रहा हूँ अभी. अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है. एवरीथिंग वी आर ऑन अ लास्ट शेड्यूल, सो वी लुकिंग फॉरवर्ड. बाबा इज ऑल्सो हियर एंड एवरीवन इज बैक, जैकिदा, मनीषा कुराला, सो वी आर ऑल वेरी हैप्पी फॉर द सेकंड शेड्यूल. थैंक यू.